नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आदेश न्यूज और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबर से। सवारा किसानों के भारी नुकसान कर रहे आवारा पशुओं सहित अन्य कई मांगों को लेकर भाकियों ने आज से ब्लॉक परिसर में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। जिसकी जानकारी देते हुए ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र सिंह टिकैत ने बताया कि प्रशासन को कई बार निवेदन करने के बावजूद भी किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाई जा सके और नई गौशालाओं की स्थापना की जा सके, इसके अलावा किसानों को पर्ची कम मिल रही है और न ही गन्ने का रेट निर्धारित किया जा रहा है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए आज से धरना शुरू किया गया, जो बिना किसी ठोस आश्वासन के खत्म नहीं किया जाएगा। इस मौके पर गजराम सिंह, शफीक प्रेम सिंह, पृथ्वी सिंह, आलोक कुमार, सत्यवीर सिंह, अजीम खान, भारत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। भैया, क्या मामला है आज? आप लोग जो है आपके इकट्ठे हुए हैं सब लोग? आज भारतीय किसान यूनियन का ब्लॉक परिसर में अनिश्चितकालीन धरना है, क्योंकि आवारा पशु लगातार किसानों की फसलों के बर्बाद के साथ साथ चोटिल कर रहे हैं। कल भी एक किरतपुर में किसान मौत के घाट उतार दिया, तो इन्हें पकड़वा के गौशाला छुड़वाने और जो गौशाला जहाँ नहीं बनी है उन्हें बनवाने की मांग है हमारी। गन्ने के रेट की घोषणा नहीं हुई, किसान को ये पता नहीं कि गन्ने के रेट क्या होंगे, लगभग एक महीने से ज़्यादा हो गया। तो इन सभी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। किसानों को पर्ची नहीं बन रही और जो बिजली की समस्या भी बनी हुई है, तो इन सभी समस्याओं को लेकर आज यहाँ अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।